आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज़। पटना में आई भीषण बाढ़ में फंसे बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत अभियान के तहत संजय कुमार शर्मा सदस्य सलाहकार समिति बिहार प्रदेश जदयू ने मोहम्मद असगर अली जिला सचिव युवा जनता दल यूनाइटेड न्यूरा पटना एवं राजकुमार शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष महादलित प्रकोष्ठ जदयू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कंकड़बाग झुग्गी झोपड़ी में भूख से पीड़ित व्यक्तियों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इससे बाढ़ पीड़ितों के दिल में तसल्ली की आग जगी। इस पूरे कार्यक्रम को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके दिशा निर्देश पर ही प्रेरित होकर संजय कुमार शर्मा बाढ़ राहत अभियान में अपना योगदान दिया, जहां 3 फीट पानी में बाढ़ पीड़ित व्यक्ति 3 दिनों से भूखे प्यासे अपना जीवन गुजर वसर कर रहे थे। संजय कुमार शर्मा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण 21 वर्ष देशवासियों की अमन चैन के लिए सरहद पर बिताया है। आज वे सेना से सेवानिवृत्त होकर देश सेवा करने के बाद जन सेवा करने के लिए प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार वासियों के बीच हर संभव मदद के लिए आए हैं। इस कार्यक्रम में कंकड़बाग से विकलांग अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पानी के में घिरे मरीजों का हालचाल पूछा एवं परिजनों को राहत सामग्री दी तथा अस्पताल प्रबंधन को आश्वासित किया कि मरीजों की सेवा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अविलंब अगर हो तो अविलंब सूचित करें। नीतीश कुमार की सरकार हर संभव सहायता देने के लिए तत्पर एवं कटिबद्ध है। इनके जज्बातों और पीड़ितों को देख करके वाकई इस दुख की घड़ी में हमारे समक्ष कोई अवतारी पुरुष खड़ा हुआ है, वह है नीतीश कुमार का सिपाही और जनता का सेवक संजय कुमार शर्मा। इन्होंने बाढ़ पीड़ितों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे एक फोन कर याद करेंगे, मैं आपके समक्ष शरीर जरूर हाजिर रहूंगा। तो जनता ऐसे प्रतिनिधि चाहेगी जो कुछ दे अथवा नहीं दे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जो उसके साथ खड़ा हो। सब कुछ है संजय कुमार शर्मा एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम जो किसी भी परेशानियों का सामना करने के लिए हर समय तन मन धन से तत्पर रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में परेशानियों से झेलना ही सीखा है, जिसका जीता जागता प्रमाण इस विपदा की घड़ी में आपके समक्ष खड़ा नीतीश कुमार का सिपाही संजय कुमार शर्मा है। आइए देखते हैं उनकी एक रिपोर्ट आगे वीडियो में। हमारे संजय शर्मा जी जा रहे हैं बाहर बाढ़ के राहत कार्य में। आप लोग अभी देखेंगे कि देखिए कंकड़बाग में इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी ना ठीक है जाना ही पड़ेगा, अभी देख रहे हो तो पीछे भी नहीं कर सकते हैं। देखिए आराम से एक-एक करके लाइन से लाइन से
बांट रहा है ना सरकार, तो नहीं बांट रहा, आम आदमी बांट रहा है। लीजिए और लाभ उठाइए। में आपने बकरार कर्ज किया, सब जगह का मुआयना किया, आपने जो देखा इसका निदान किस तरह से कैसे किया जाए, लेकिन जल्द से जल्द पीड़ित व्यक्ति से मुक्त हो सके, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सबों को ये जान लेने चाहिए। भाई जी जरा सा हटेंगे, दो जरा एक लोग फंसे हुए हैं, इसी को कोई रोक नहीं सकता है, बस बचाव किया। एक मिनट, वो सरकार हो या समाज सेवी हो, तो सरकार के तरफ से हमारे जितने लोग हैं, इसी पे सरकार है, इसी से है, पार्टी के सिपाही हैं, सबसे पहले मैं लगता है सबसे बड़ी मानवता है। और मानी ना बोले जाते हुए सुनिए ना, ये लौनत नहीं है, मेरा बात तो सुनिए, कुछ घर घर पेशेंट को हमको निकाल जल तक जा रहे हैं, अगर हो गया तो कुछ इस्लाम है मिलेगी। लगातार हम नवीन जी क्लोज कीजिए, जारी रहेगी। नरेंद्र शर्मा जी ने कहा तो आपने देखा राजेंद्र नगर का दृश्य, सभी जनप्रतिनिधि सभी संगठन लगे हुए हैं सभी लोगों को निकालने के लिए, और बस बस पहुँचाने में आगे भी आपको दिखाते रहते हैं।